आईफोन 11 का। प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट और प्लाज्मा की स्टोरी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। मेरा जो आईफोन है इसमें ना क्रैक आ गया है। Hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, बहुत दिनों के बाद मार्केट जा रहे हैं। So guys, मुझे छोटे मोटे काम करने हैं आज, जैसे कि मम्मी की मेडिकेशन लानी है और छोटे मोटे काम है मुझे जो निपटाने आज। So और पौड़ी में बहुत बुरा हाल हो गया कोरोना का, क्या बताऊँ मैं। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, यहाँ जो रोड्स है ना बड़ी कंजेस्टेड रोड है, और जब भी कोई वहाँ से गाड़ी आती है तो यहाँ से बंदा फंस जाता है। आप देख सकते हो कितनी जगह बच रही है यहाँ पे। और ये हमारे अमन भाई की बाइक UK 12। अच्छा, ये बस की वजह से रखा था, ये बस आ रही थी ना आगे से। बड़ा ही कंजेस्टेड है। अबे यार, एम्बुलेंस भी उन्होंने यहाँ रोकी हुई है, शिट मैन। सो गाइस, पौड़ी में भी अभी 2-4 केसेस आए हैं कुछ दिनों पहले, एंड जिनकी डेड बॉडी यहाँ से निकली है। बस तब से यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा बहुत गर्मा गर्म हो रखा है। मतलब यू नो, 2 बजे के बाद पूरी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, 7 बजे के बाद कोई बंदा नहीं दिखता यहाँ पे, क्योंकि मम्मी की जो है मेडिकेशन चलती रहती है। दवाई परचेज करके लेके जानी है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान है जो मैं वो लेके जाऊँगा भाई साहब। और ट्रैफिक जो हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है कि 2 बजे के बाद जो है ना पूरी शॉप्स बंद हो जाएंगी, एंड उसके बाद ना यहाँ बंदा दिखेगा ना बंदा की जात। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो आने जाने वाले काम है अपने, जो बाहर वाले काम है, वो 2 बजे से पहले कर दे रहे हैं ताकि उनको कुछ डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो मैं भी वही करूँगा। अभी मेरे ख्याल से 10 से ऊपर हो गया होगा, एंड मुझे अपना काम वाम खत्म करके फटाफट निकलना है। कल परसों से बारिश हुई है, एंड ऑलमोस्ट स्नोफॉल होने वाली ही थी, बट होते होते रुक गई, क्या कर सकते हैं, पर सही हो गया। और गाइस, मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके घर पे रहिए, अननेसेसरी ना निकले। टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर योर फैमिली, अपना ध्यान रखो यार। अपनी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। सो जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ। ये देखो, मेरे जस्ट राइट में पुलिस लगी थी। तो पहले चलते हैं अर्जुन भाई की दुकान में। और क्या हाल है, ठीक है। मेरा जो आईफोन है इसमें ना क्रैक आ गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि ग्लास में क्रैक आया है, अंदर जो स्क्रीन होती है उसमें क्रैक आया है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो। तो क्या हो रहा है कि जब भी मतलब मैं फ़ोन चला रहा हूँ ना, मैं भूल जा रहा हूँ कि क्रैक हुआ है, एंड देन मैं ऐसे इसको ऊपर कर रहा था, एंड ऊपर करते करते इसके ना कुछ पार्टिकल जो मेरे इसके अंदर घुस गए, और मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। देन आई डिसाइडेड कि यार, मैं जब आया ही हूँ तो शायद मैं इसको यहाँ से चेंज करवा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पूरा फटा फटा है, और ये पूरी यहाँ तो जा रखी है। टेम्पर ग्लास मिल जाएगा आईफोन का, नहीं मिलेगा भैया के पास तो है नहीं आईफोन का। टेम्पर ग्लास मिल जाएंगे आईफोन के, नहीं मिलेगा। ये भाई देख, आईफोन 11 है, नहीं बना। सो उसने कहा कि एजेंसी में एक शॉप है जहाँ पर प्रोबेबली मिल जाएगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि मुझे सही बताऊँ तो मुझे अभी आईफोन चलाने का बड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि बार बार उसको चलाने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है मुझे। टेम्पर ग्लास लग जाएगा आईफोन का, ये लग जाएगा इसमें, पर जो ये वाला लगा हुआ है मुझे ये वाला चाहिए, देखो ब्लैक साइड में है। सो आगे एक शॉप है, वहाँ पता करता हूँ मैं, होपफुली यहाँ मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो भाई फिर मुझे देहरादून की तरफ निकलना पड़ेगा या फिर मंगवाना पड़ेगा किसी से। चेकिंग दो, खतरनाक चल रही है यहाँ पे। टेम्पर ग्लास होंगे भैया, आईफोन का चाहिए, बड़ा है ना, नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा हूँ, शायद यहाँ पर मिल जाए आईफोन का टेम्पर ग्लास, नहीं मिलेगा भाई साहब, क्या करूँ अब भाई। टेम्पर ग्लास पड़ा होगा आपके आईफोन का, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा, लेफ्ट साइड में ना, राइट साइड में, ठीक है। अब मुझे जाना नीचे अपर रोड, होपफुली वहाँ मिल जाए मुझे। सो गाइस, ये रोड रहती है नीचे अपर मार्केट, जो मिलती है धारा रोड। टेम्पर्ड ग्लास पड़े आपके, टेम्पर्ड, यहाँ पता कर लेता हूँ एक बार।
टेम्पर का चाहिए मुझे इसका भैया। कौन सा है? 11। या अभी तो कह नहीं सकते कुछ ना। टेम्पर ग्लास मिल जाएगा भैया? आईफोन 11 का है। नहीं मिलेगा। स्ट्रगलिंग विद आईफोन। शिट मैन। भैया टेम्पर ग्लास मिल जाएगा इसका? मुझे ये वाला चाहिए भैया जो उसके ऊपर लगा है ब्लैक कलर का। एक तो होता है सिंपल सा, एक होता है इसके है ब्लैक पट्टी वाला। हाँ देखो भैया ढूंढ रहे हैं हमें, मिलता कि नहीं मिलता है। सो भैया के पास भी नहीं मिला, आगे लगे पता करता हूँ मैं। सो लेट्स गो। एक शॉप दिखी मुझे गेरी। भैया टेम्पर्ड ग्लास पड़े यहाँ पे आईफोन का मिल जाएगा? 11 का नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, भैया के पास है नहीं। एक शॉप मैंने यहाँ नीचे भी देखी है, वहाँ पता करते हैं। भाई साहब मैं लगता है कि यहाँ पर चलने वाला नहीं कुछ। मैम टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा आईफोन 11 का? मंगा भी सकते आप लोग? इस शॉप में भी नहीं है एंड इस शॉप में भी मैंने पता कर लिया A to Z कम्युनिकेशंस में भी नहीं है। सो लेट्स गो, अगर मुझे आगे कहीं मिल जाता है। लेट मी चेक हियर मैन। भैया टेम्पर ग्लास मिल जाएगा इसका आईफोन का? नहीं मिलेगा? भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं। और मैं फ़ोन ऐसे हाल इसका ऐसी कंडीशन में है कि मैं ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं कर सकता फ़ोन को, क्योंकि जितना यूज़ करूँगा उतना मेरे हाथ में प्रॉब्लम होगी। टेम्पर ग्लास आईफोन 11 है भैया? नहीं मिलेगा? कहाँ? नीचे यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे है। टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे टेम्पर्ड आईफोन 11 का? नहीं मिलेगा भैया? नीचे भी नहीं है भैया। कोई आइडिया है कि कहाँ मिल जाएगा? नहीं और ऊपर से पता करते हो आगे भैया। मैं यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, मुझे कहीं और ही देखना पड़ेगा शायद। अब भाई मैंने जैसा गुनाह कर दिया आईफोन लेके यहाँ, तो ऐसा हो गया। सो अभी मैं आ गया हूँ धारा रोड, और धारा रोड में पता करते हैं कि यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे को तो लगता नहीं कि मिलेगा यहाँ पे। यहाँ शॉप में पता कर सकता हूँ मैं। लेट्स सी भैया टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे आप पे? यहाँ भी नहीं है। पौड़ी का ट्रैफिक भाई देखो भाई, हड़बड़ी इतनी मची पड़ी लोगों को ना कि क्या ही बोलूँ मैं। मतलब 2 बजे से पहले सब ना काम वाम करवा के सीधा घर निकलने वाले हैं एंड 2 बजे के बाद कोई नहीं दिखने वाला। कि अगर मैं प्लेन वाला, अगर मैं सपोज रोड में अगर ऐसा रखता हूँ ना देखो, तो उसमें गार्ड नहीं है, बट इस पर गार्ड है। ये देखो ना आगे इतना इतना वो वाला नहीं CGB में 128 बहुत साल भी पड़ा हुआ यार। एक नया पीस में आईफोन का यही वाला ही है। अच्छा ये होगा तो बताना। और भैया पहले से मैंने भी 2 महीने पहले चंडीगढ़ जाके लिया है। कितना पड़ा आपको? मुझे पड़ा 70 के आसपास पड़ा, 3-4 महीने पहले की बात है। नहीं हैं कि 128 GB? 54 होगा। हाँ तो ये 128 GB है ना। आज वो कहाँ गया लड़का? आप इसको अपने पास रख के मंगा लोगे ये? अभी आजकल तो नहीं आएगा। हाँ ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली से लग रहा मुझे। सो ये डिफरेंस है इसमें कि देखो कितना गैप पड़ रहा यहाँ पे। भाई ये कवर कर देता था, सो दैट इज़ वाई आई चूज दिस। बट चलो कुछ ना मिलने से अच्छा कि कुछ मिल तो गया। काफ़ी दिन हो गया था मैं थोड़ा सा बाहर को नहीं आया था एंड ये चीज़ बहुत मिस कर रहा था मैं। एंड फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बहुत सुकून फील कर रहा हूँ मैं। क्यों ना यहाँ पर आके थोड़ी सी आप लोगों से बातें की जाए। आप लोग, मैं आई नो कि आप लोग मेरे व्लॉग का वेट कर रहे थे और मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई व्लॉग डालो। एंड मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लाइव अपडेट होंगी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी सोशल मीडिया पर, जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं जब भी स्क्रॉलिंग कर रहा था तो लोग आजकल नॉर्मल स्टोरी डालने की बजाय लोग आजकल जो है वो प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट और प्लाज्मा की स्टोरी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों से हो सकता है तो प्लीज़ गाइज हेल्प करो, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोगों को इस सिचुएशन से आगे निकलना है और जितना हो सके घर पर रहो। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तू भी तो घर से बाहर निकल रहा है, बट भाई मैं सिर्फ अपनी मेडिकेशंस के लिए गया था, मुझे मेडिसिंस लेनी थी मॉम के लिए, और मैं आज कम से कम 10 या 12 दिन बाद बाहर निकल रहा हूँ। और अभी पौड़ी का हाल, मौसम का हाल ऐसा था कि बारिश आ रही थी तो बारिश की वजह से ठंडा हो गया, एंड आज मौसम बहुत क्लियर हो गया बिल्कुल, मतलब काफ़ी धूप लगी। अगर आप देख रहे हो ना, इसको मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, मैं साथ लेके जाऊँगा, घर में डालूंगा डस्टबिन के अंदर, टेंशन ना लो। यहाँ पर रुकने का एक रीज़न और था, मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी कि मैंने जस्ट यहाँ पर नोटिस किया कि ये देखो आप लोग दिख रहा होगा ना आप लोगों को यहाँ पर कितनी गंदगी फैली पड़ी है। ये देखो ये पूरा यहाँ पर उन्होंने कचरा फेंक के, और मतलब
यार तुम आते हो अपना अपने साथ तुम खाने वाला जो भी स्नैक्स वगैरह लेके आते हो उसके रैपर्स कम से कम यहाँ मत फेंको यार। मेरे को बहुत बुरा लगता है यू नो कि लोग अपनी चीज़ क्यों नहीं समझते यार इस चीज़ को। यार ये हमारी तो है, किस लिए? अब बाहर के लोग जो यहाँ आएंगे वो लोग गंदगी देखने थोड़ा आएंगे यार। कोई बाहर का बंदा यहाँ आएगा तो वो गंदगी देखने नहीं आएगा, वो यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती देखने आएगा। और हम लोग इस खूबसूरती का कितनी तरह गंदी तरह यूज़ कर रहे हैं यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को। भाई साहब इतनी दुकानें छान मारी, इतनी दुकानें छान मारी मैंने आज। मुझे अपने आईफोन का कवर ही नहीं मिला कहीं पे, मतलब टेम्पर्ड ग्लास ही नहीं मिला मुझे कहीं पे। एंड कुछ जाके इन्होंने फिर जुगाड़ कर रखा मैंने कि जिस तरह चल जाए। अभी तो फिलहाल चल रहा है क्योंकि यू नो जब भी मैं टूटे हुए टेम्पर्ड ग्लास को यूज़ कर रहा था ना, तो जब स्क्रॉलिंग डाउन ऐसे कर रहा था ना, स्क्रॉल कर रहा था ऐसे करके, तो थोड़ा सा पार्टिकल जो होता ना वो मेरे अंगूठे के अंदर जाके फंस गया भाई। उसको निकालने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए, मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने। एंड देन नेक्स्ट टाइम दोबारा मैंने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया तो फिर दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं, हाल फिलहाल के लिए इस पर कोई भी टाइम फंसगा डाल दो। भैया ने फिलहाल करके डाल दिया उन्होंने कुछ ना कुछ करके। आईफोन का जो आप लोगों एसेसरीज वगैरह है वो पौड़ी में नहीं मिलने वाली, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर डिमांड से ही मंगाना पड़ता है। तो पौड़ी के जो भी लोग देख रहे हैं भाई, आप पौड़ी से बाहर के लोग देख रहे होंगे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ सामान मिल जाए। बट और वैसे भी यू नो आजकल लॉकडाउन वगैरह का ज़्यादा इश्यूज़ चल रहा है, तो इसकी वजह से सामान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़े से इशूज़ हो रहे हैं। तो वो भी रीज़न है कि मुझे यू नो मेरा सामान नहीं मिला। दिस इज़ हाउ आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई आईफोन। सो अभी मैं कर रहा हूँ अपने आईफोन 11 के साथ ब्लॉग। सो मैंने जब से मैं आईफोन लेके आया था तब से मैंने व्लॉग नहीं किया था इसमें, बट डिफिकल्टी हो रही कि मुझे यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, मुझे लग रहा है यहाँ देखना चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सो मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश ब्लॉग में वंस अगेन। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।